स्टार्टअप क्लिनिक में हूँ लक्ष्मी, आपका कोच और मेंटर। आज आपको सप्लीमेंटेशन प्रिंटिंग कैसे होते हैं, क्या क्या प्रिंटिंग कर सकते हैं हम, कौन से रॉ मटेरियल्स को प्रिंटिंग कर सकते हैं और बिजनेस मतलब कैसे आगे जा सकता है, कौन से मशीन को यूज़ कर सकते हैं, इसका बजट क्या हो सकता है और कितना स्पेस लेना है, ये सब कुछ जानकारी इस वीडियो में आप ले लेंगे। सो इसको आपको एक प्रोडक्ट को प्रिंटिंग करके भी दिखाएंगे। इस प्रिंटिंग प्रोसेस को दिखाने के लिए हमारा जो कंपनी का सीनियर ट्रेनर है प्रशांत आज हमारे साथ है, आपको बता देगा कि हमें कौन से प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंटिंग कर रहे हैं और कौन से मशीन को हम यूज़ कर रहे हैं। सो डिज़ाइन देख लेंगे पहले कि कौन से डिज़ाइन को हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, ये है हमारा जो डिज़ाइन है आज आपको प्रिंटिंग करके दिखा रही है। इसके लिए जो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट को हम यूज़ कर रहे हैं, ये जो है मास्क। सो इसके मास्क के ऊपर हमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सो इस डिज़ाइन को हम मास्क के ऊपर ट्रांसफ़र करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना ट्रांसफ़र हो रही है, कितना बच रही है। ओके, सो इसके लिए जो मशीन हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा मशीन है, हम जब जो मास्क आप देख रहे हो वो मास्क है आपको कॉटन लेयर एंड दूसरा मटेरियल से आता है जो प्रिंटिंग करने के लिए होता है। सो अंदर का लेयर जो कॉटन की वजह से हमें इरिटेशन भी नहीं आता है। जो मशीन हम यूज़ कर रहे हैं वो है फ्लैट प्रेस मशीन है, हैवी ड्यूटी यूरोपियन स्टैंडर्ड का मशीनरी है एंड साइज ऑफ द मशीन इज A3 साइज है, 16x24 का मशीनरी है। सो इसको आप देख सकते हो कितना अच्छे से हमने इसको हमारे हीट रेसिस्टेंट टेप से हमने जोड़ के रखा है। सो इससे क्या होता है, हीट रेसिस्टेंट टेप से जोड़ने से जो हमारा डिज़ाइन है वो हिलेगा नहीं है, तो ऐसे स्टैंडर्डली हो जाएगा, इससे आपको प्रिंटिंग ठीक से आ ही जाएगा। तो इसकी वजह से हम आपको प्रिंटिंग मतलब हिलने से क्या होता है ना, एक प्रिंट हो गया फिर थोड़ा सा हिल गया तो फिर दोबारा एक बार प्रिंट हो जाता है बच्चा हुआ जो भी कलर्स है। तो इससे क्या होता है ना कि अपने एक के ऊपर एक ब्लैंक की जैसा आ जाता है। इसको अवॉइड करने के लिए हीट रेसिस्टेंट टेप यूज़ करते हैं एंड मशीन ऑलरेडी 200 डिग्रीज का टेम्परेचर में इंक्रीज़ हो चुका है। सो हमारे जो टाइमिंग दिए हुए 70 सेकेंड्स ऑफ टाइमिंग है। सो एक तो मशीन हमने देख लिया था, इसमें दूसरा मशीन भी आता है अलग अलग मटेरियल्स का। ये तो मैंने जो मशीन दिखाया था वो है 1 ईयर 1 साल का वारंटी के साथ एंड कुछ स्पेयर पार्ट्स के बाद कंपनी ब्रांडिंग के साथ आएगा जो मशीन आपको दिखाया था। सो रिमाइनिंग दूसरा जो हम यूज़ कर रहे हैं वो एप्सॉन का प्रिंटर है L1800 जो A3 साइज के जो हमें सपोर्ट करेगा। इसे 6 कलर प्रिंटर है, 6 कलर का प्रिंटर है। 6 कलर का प्रिंटर से हमें क्या होता है कि कलर का जो सारा कलर है वो सब कुछ आ जाएगा शेड्स के साथ। तो एक तो प्रिंटर में आप जो इंक यूज़ कर रहे हैं वो है 99 सब्लिमेशन का वाटर प्रूफ इंक हम यूज़ कर रहे हैं एंड जो पेपर हम यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा 99 सब्लिमेशन का ड्यूअल कोटेड हाई डेफिनेशन पेपर है। इसी पेपर को यूज़ किया गया हमने प्रिंट निकाला था। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा आफ्टर ट्रांसफर हमें कितना ट्रांसफर हो रही है। सो आपने एक तो मशीन देख लिया, प्रिंटर देख लिया, पेपर, टेप, इंक, जो टेफ्लॉन शीट्स है ये हमारी जो ज़रूरत है 70,000 से मिनिमम बजट स्टार्टअप होता है। इसे आगे लेकर जाने के लिए 25 लाख तक भी कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन आपको क्या काम करना चाहते हो। इसमें सब्लिमेशन होते हैं, कॉटन के लिए कुछ दूसरे प्रोसेस होते हैं, कुछ और करने के लिए कुछ और भी प्रोसेस होते हैं। फुटवेयर भी इसमें प्रिंट कर सकते हो एंड जो टी शर्ट्स या डिज़ाइन आप देख सकते हो A3 साइज़ का डिज़ाइन सोचा है, इसीलिए A3 मशीन को प्रेफर करते हैं। सो ऐसे ही हमारा इसमें मशीन को यूज़ करके हम 3,500 प्रोडक्ट्स को प्रिंट कर सकते हैं। आपको एक डीप सोन से आपको इंटीमेट हो गया होगा कि हम जो क्या प्रिंटिंग कर रहे हैं उसका वर्क कंप्लीट हो गया क्योंकि हम 70 सेकेंड्स के टाइमिंग रखा था। ऐसे हमारा प्रिंटिंग हो चुका है, उसी टाइम में निकालना है, ज़्यादा टाइम तक छोड़ दिया तो इसमें आपको स्मॉल प्रॉब्लम आएगा कि इसका कलर डार्किश ज़्यादा हो जाएगा, जो कलर्स एग्जैक्टली है उससे भी ज़्यादा आ जाएगा। आप हमारा मास्क का डिज़ाइन देख सकते हो, इसमें कुछ कलर बचा नहीं है एंड जो मास्क को देख सकते हो कम्प्लीटली जो कलर्स उसमें ट्रांसफर होने वो कम्प्लीटली ट्रांसफर हो चुका है। सो ऐसा हमारा डिज़ाइन ट्रांसफर होने के लिए उपयोग होता है एंड जब पेपर का क्वालिटी इनका क्वालिटी बेस्ट होता है तभी इसमें पूरा ट्रांसफर होगा, नहीं है तो इसमें आधा ट्रांसफर होकर आधा इसमें बच जाता है। तो इसकी वजह से आपको प्रिंटिंग ठीक से होता नहीं है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आप डिस्पैच नहीं कर सकते हो एंड जो हीट रेजिस्टेंट टेप है ये भी देख सकते हो, ये जो आपको जितना भी गया था उसी हिसाब से आपको वापस आ गया था, रिमेनिंग टेप को यूज़ करोगे तो वो पिघल जाता है। सो आज का मास्क देख लिया आपने, 20 रुपीज़ में आपका मास्क बन जाता है एंड 50 रुपीज़ में आप सेल करते हो तो फिर नियरली आपको 30 रुपीज़ का बजट मतलब प्रॉफिट होता है। सो यूनिक डिज़ाइन ज़्यादा मत बनाना, 100 डिज़ाइन्स आप रखो कॉन्स्टेंटली। सो 100 जैसा होना चाहिए ना कि माइंड ब्लोइंग 100 यूनिक डिज़ाइन्स रखो, एक एक पैकेट बनाओ 10-10 का, उसमें बच्चों का, बड़ों का, मीडियल एज का, सब लोगों को सूटेबली 10-10 मास्क से एक पैकेट में रखो और एक एक शॉप में नियरली 100 शॉप्स में दे दो। सो एक शॉप में से भी आपको एक ऑर्डर निकल गया, सो मतलब एक पैकेट भी गया तो नियरली आपको 50 शॉप्स में भी हमें चले गया तब भी आपको 50 शॉप्स × 300 रुपीज़ एक पैकेट में प्रॉफिट होता है। तो 50,000 का आपका प्रॉफिट ही हो जाता है एक दिन का। सो ऐसे ही आप इंक्रीज करते जा सकते हो आपका बजट को। सो उनका इंक्रीज मतलब आपको जो डिज़ाइंस के हिसाब से, क्योंकि मास्क से प्लेन मास्क उसमें जो डिज़ाइन हमें दिखा रही है उसी को हमें सेल करना है। सो जो डिज़ाइन आपको अच्छा लगा बाहर लोगों को तो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाता है,
तो आपको जो रखना है वो यूनिक डिज़ाइन रखना हो पड़ेगा एंड डिफरेंटली जो डिज़ाइन है वो रखना पड़ेगा। सो इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए 72 मैंने बता दिया, हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर से वो सब कुछ खुल चुका है, वो 1 से 7 दिन का ट्रेनिंग्स होता है। जो कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर पर बात कर सकते हो, वो लोग आपको डिटेल्स भी इन्फॉर्मेशन दे देगा। कोलकाता, बैंगलोर, दिल्ली, रायपुर ऐसी जगह है, विजयवाड़ा, सो इन सब जगहों में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि ट्रेनिंग सेंटर्स 1 to 7 days का। आप नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर पर बात करो तो वो लोग डिटेल्स भी बता देगा कि कितना दिन का क्या क्या डिज़ाइन, मतलब क्या आपको चाहिए ट्रेनिंग, उसके हिसाब से। फिर नहीं आ पाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको जहाँ पे भी हो वीडियो कॉलिंग में ही आपको डिजाइनिंग आपको समझा देते हैं, क्योंकि इस टाइम में आना जाना मुश्किल है, मुझे भी पता है। तो इसकी वजह से आपको ट्रेनिंग वीडियो कॉल में भी बना चुका है हम, उसमें भी सीनियर ट्रेनर्स आपको एक्सप्लेन कर देगा, कोई इश्यू नहीं है। बस एक बार आपको इतना ज़्यादा ज़्यादा टाइम तक बैठने से कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी भी हम कुछ नहीं कर पाया आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हमारा यहीं पे हेवी हो जाएगा, क्योंकि पूरा साल या पूरा कितना टाइम तक हम इसको लेकर जाना है पता नहीं है। सो जहाँ पे है हम कुछ तो करना है, काम वर्क तो करना है, उस सिटी में तो प्रॉब्लम नहीं आ रहे, एक सिटी से दूसरे सिटी में आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आप उसको अवॉइड करके बिजनेस तो स्टार्टअप कर लीजिए। ओके, सो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, बिजनेस के लिए क्यों करना है, ऐसे इन्फॉर्मेशन मार्केटिंग क्या होता है, तो मोहनचंद्र जी का वीडियो से डिस्क्रिप्शन में 30 मिनट्स के ईयरफोन्स लगा के सुन लीजिए, आपको ईयर नियरली अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो आज के वीडियो में आपको A3 हीट प्लस मशीन में हमें प्रिंटिंग क्या कर सकते हैं ये सब कुछ दिखा दिया। इसी मशीन को यूज़ करके हम टाइल्स को प्रिंट कर सकते हैं, किचन्स को प्रिंट कर सकते हैं, कुशन्स को प्रिंट कर सकते हैं, टी शर्ट्स को, हर एक फैब्रिक के ऊपर टी शर्ट्स को प्रिंटिंग कर सकते हैं एंड कुशन्स को प्रिंटिंग कर सकते हैं, फ्रेम्स में अलग अलग मटेरियल्स में फ्रेम्स आते हैं वो भी प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो 3,500 प्रोडक्ट्स में इसके ऊपर प्रिंटिंग कर सकते हैं। सो ये आपने देख लिया था, नेक्स्ट वीडियो में फिर दूसरे प्रोडक्ट ले लेंगे और दूसरे मशीन में आपको प्रिंटिंग करके दिखाएंगे कौन से प्रोडक्ट को कैसे प्रिंटिंग करना है। सो आपको जो काम करना था आपको पता होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट और भी वीडियोज में और भी मशीनरीज है हमारा, तो वो आपको जानने के लिए अच्छा होगा कि इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करने से। सो शेयर कर लीजिए जितना जितना लोगों को शेयर कर सकते हो, क्योंकि उन लोगों को भी चाहिए होता है कि बिजनेस स्टार्टअप करने की, कौन से बिजनेस स्टार्ट करने पता नहीं है, तो कम से कम इसको यूज़ होगा कि ऐसा एक बिजनेस है एंड ये आप घर पर भी कर सकते हो, उन लोगों को पता चल जाता है। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, अंटिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।